हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसान तरीके से सिर्फ 15 मिनट में सहजन की फली और आलू की करी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी तरीके से बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं सहजन की फली और आलू की करी। दो सहजन की फली ली है, जिसमें से मैंने एक को कट करके रखा है। इसे हम सरगवा की सींग भी कहते हैं। ड्रमस्टिक ऊपर का पार्ट इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से इसे लंबे टुकड़ों में कट करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा स्क्रैप कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे। मैंने थोड़ा लंबा पीस किया है, आप चाहे तो इसे छोटा पीस भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छिलका निकाल लेंगे। दो मीडियम साइज का आलू छील के लिया है, इसे भी हम काट लेते हैं। मैं इस तरह से इसका लंबा पीस कर रही हूँ। एक हांडी में मैंने 3 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। 250 ml कप का माप से 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक। आलू हमने काट के रखे हैं, ये डाल देंगे। सहजन की फली भी डाल देंगे। अच्छे से पानी से धो के डालना है इसे। मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। आलू और सहजन की फली को हम 75% तक कुक करेंगे। इसे पूरा कुक नहीं करना है। इसे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए कुक किया है। गैस ऑफ कर देंगे और गैस पे से नीचे उतार लेते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। 2 मीडियम साइज का प्याज की लंबी और पतली स्लाइस की है, ये डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के इसे लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। तेल हमें कढ़ाई में ही रखना है। इस तरह से तेल को निकाल के हम प्याज निकाल लेते हैं। प्याज को रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे अंदर चॉप कर लेते हैं। इसे मिक्सर जार में डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। एक बाउल में मसाला मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 पिंच हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे ताकि मसाले अच्छे से भीग जाए। कढ़ाई में जो तेल बचा है इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल और डालेंगे। तेल गरम हो गया है। 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा को थोड़ा लाइट ब्राउन भून लेते हैं। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट। अदरक और लहसुन को धीमी आंच पे भून लेते हैं। 30 सेकंड के लिए अदरक लहसुन को भून लिया है। मसाला पेस्ट हमने बनाई थी, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे और पेस्ट को हम भूनेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पेस्ट को हमें भूनना है। मसाले में से तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है। मसाला पेस्ट बनाई थी, इसी बाउल में मैंने सहजन की फली जो हमने बॉईल की है वो ही पानी मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाला है। हमने जो बॉईल किया है सहजन की फली वही पानी हमें डालना है। पानी हमने डाला था वो पूरा जल गया है और आप देख सकते हैं तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। मसाला हम अच्छे से कुक करेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। 2 पिंच हींग डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। मैंने बिना पानी डाले प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाई है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मसाला हम पानी डाल के अच्छे से कुक करते हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। प्याज और टमाटर की पेस्ट को भी अच्छे से कुक कर लेते हैं, तेल सेपरेट हो जाए तब तक। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे कुक करेंगे।
आलू और सहजन की फली हमने बॉईल की थी, यही एक कप पानी में मिक्सर जार में डाल के ले लूंगी। हमें दूसरा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, यही पानी का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 मिनट ढक्कन लगा के कुक किया है। 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डालेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। नारियल का बुरादा डाल के 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। सींग और आलू हमने बॉईल किया था, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू कुक हो गया है लेकिन थोड़ा सा कच्चा है, सहजन की फली भी थोड़ी कच्ची है। 1 कप पानी मिक्सर जार में डाला था, ये डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। सहजन की फली का पूरा पानी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा बचा था वो भी मैंने डाल दिया है। सब्जी में आपको ग्रेवी जितनी बनानी है उतना उस हिसाब से पानी डालें। नमक हमने सहजन की फली बॉईल की थी तभी डाला था, तो अभी मैंने नमक नहीं डाला है, इसे टेस्ट कर लेंगे बाद में डालेंगे। ढक्कन लगा के इसे धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, या फिर सहजन की फली एकदम अच्छे से कुक हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। 6 से 7 मिनट धीमी आंच पे ढक्कन लगा के कुक किया है और तेल भी एकदम अच्छे से ऊपर आ गया है। मैंने इसे टेस्ट किया था तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट कर ले फिर बाद में नमक डालें। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे कि सब्जी कुक हो गई है तो ये टूट जाएगी। नमक हमने डाला है तो 2 मिनट के लिए हम धीमी आँच पर और कुक कर लेते हैं। लास्ट में 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। एकदम हल्के हाथ से चलाएंगे। आलू और सहजन की फली की करी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे, बाद में इसे सर्व करेंगे। इसे रोटी पराठा पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, प्लेन राइस और खिचड़ी के साथ में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। सहजन की फली और आलू की करी रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।